हमारी डाइट में प्रोटीन होना ज़रूरी है क्योंकि प्रोटीन हमारी मसल्स का एक प्राइमरी बिल्डिंग एलिमेंट है। स्टडीज़ की माने तो प्रोटीन एक ऐसा कॉम्पोनेंट है दैट मेक्स अस फील मोर सैटिस्फाइड विदाउट हैविंग टू ईट टू मच। प्रोटीन रिच डाइट्स बोन मास को मेंटेन करने में मदद करती है एज वी एज, और ये हमारे फ्रैक्चर्स के रिस्क को भी कम करती है। इतना ही नहीं, हमारी जो मिडनाइट क्रेविंग्स है ना, दे एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल और टू सप्रेस, लेकिन प्रोटीन हमारी ऐसा करने में मदद करता है। इंक्रीजिंग योर प्रोटीन इनटेक माइट बी द बेस्ट प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजीज अगेंस्ट क्रेविंग्स। यू कैन ऑल्सो टेम्परली इंक्रीज योर मेटाबॉलिज्म बाई ईटिंग मोर प्रोटीन। अब बात कर लेते हैं प्रोटीन रिच फूड्स और प्रोटीन शेक्स के बारे में, और जानते हैं कि आखिर क्या बेटर है। कंप्लीट प्रोटीन्स आर फाउंड इन वेल नोन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन लाइक मीट एंड डेयरी, जिनमें अमीनो एसिड होता है जिसकी हमारी बॉडी को मसल बिल्डिंग, टिश्यू रिपेयर और ग्रोथ करने के लिए ज़रूरत पड़ती है। इतना ही नहीं, इनमें डाइट्री फाइबर्स होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी की डिजीज़ को फाइट करने में मदद करता है। ये सारे फूड्स हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ में कंट्रीब्यूट करते हैं, और देखा जाए तो इनके कोई भी एडवर्स हेल्थ इफेक्ट नहीं है। बट प्रोटीन शेक के बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट हो सकते हैं हमारी हेल्थ पे, जैसे कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ब्लोटिंग, हेडेक, नोजिया, विटामिन डेफिशिएंसी एंड इवन एक्सेसिव ड्रग इंटरैक्शन। देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ पैकेज प्रोटीन शेक्स हैव द एप्ट अमाउंट ऑफ विटामिंस एंड मिनरल्स। एक प्रोटीन शेक is equivalent to a whole meal because it has 20 to 30 grams of protein. लेकिन protein shakes आपको same amount of antioxidants या फिर vitamins provide नहीं कर सकते जो आपको actually एक rich based protein diet में मिलता है. In spite of the fact that protein shakes are a more convenient source of high protein, it is better कि आप अपना protein intake होल फूड से कवर करने की कोशिश करें। नेचुरल फूड्स आर ऑलवेज बेटर देन अ प्रोटीन शेक। हाउएवर, अनलाइक प्रिपेयरिंग अ प्रोटीन शेक, प्रिपेयरिंग अ होल प्रोटीन बेस्ड मील कैन बी अ लिटिल एग्जॉस्टिंग, बट इट इज़ अप टू यू टू मेक अ राइट चॉइस।